ओडिशा से बीजेडी नेता की एक शर्मनाक हरकत सामने आई है। बीजेडी नेता योगेंद्र बेहरा ने अपने सुरक्षा अधिकारी से अपने सैंडल के फीते बंधवाए। नवीन पटनायक के कैबिनेट में मंत्री और बीजेडी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र बोहरा के रौब के क्या कहने, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि हर तरफ उनकी किरकिरी हो रही है। दरअसल सोमवार को कोंजहार जिले में एक कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने गए थे, इसी दौरान उनकी सुरक्षा में लगा अधिकारी उनके सैंडल के फीते बांधते हुए देखा गया। जब वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उनका जवाब भी कुछ अजीबोगरीब था। उन्होंने कहा कि मैं वीआईपी हूं, मैंने तिरंगा फहराया है तो इसमें गलत क्या है। वहीं जब मामला तूल पकड़ने लगा तो मंत्री जी सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके घुटने में कुछ परेशानी है जिसके कारण उन्होंने सुरक्षा अधिकारी से ऐसा करवाया। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सज्जन शर्मा ने कहा कि यह घटना शर्मनाक है। नवीन पटनायक की सरकार में सरकारी स्टाफ और पर्सनल स्टाफ में कोई अंतर नहीं है क्या? लगता है कि बीजेडी के नेता ओडिशा को उनकी जागीर समझते हैं।